वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी चटपटी सी दावतों स्टाइल की बैंगन की सब्जी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले यहाँ देखें, हमारे पास एक पॉट है, मैचिंग लेना जरूरी है। जस्ट किडिंग। चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई पे। तो अब इसमें हम डालेंगे तेल, जो कि 6 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे। अगर आप चाहें तो कम डाल दें, चाहे तो ज्यादा डाल दें। और अब थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। और जब तक यहाँ देखें हमारे पास 7-8 जवे लहसुन के थे, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है। और इसको अब मैं बड़ा बड़ा क्रश कर लेती हूँ। ताज़ा ताज़ा लहसुन होगा और बड़ा बड़ा ऐसा कूटा हुआ, बड़ा मज़े का लगेगा इसमें। तो इसे बस बड़ा बड़ा ही कूट लेंगे, बस इतना ही। तो यहाँ देखें ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून सौंफ, और साथ ही डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग डालने से फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा, और दूसरे ये कि जो बैंगन होते हैं वो उससे गैस वगैरह होता है, तो ये हेल्प करता है हींग पेट सेट रहने में। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और सौंफ से ठंडक होती है, बैंगन जो है तासीर में थोड़े गर्म होते हैं, तो सौंफ जो है इसको ठंडा रखने में हेल्प करेगी। तो ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, बस हमें इतना ही करना था। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपना लहसुन, और इसको सॉटे करेंगे। ये ऐसी खतरनाक डिश है कि दावतों में जब आप बनाएंगे ना, तो याद है मैंने एक बता दही वाले बैंगन बनाए थे, जो कि दावतों की जान हो जाते हैं। आप कुछ भी बनाएं लेकिन लोग उसको तो लूट ही लेते हैं। तो इसी तरह ये भी आप लोग को बड़ी मजे की लगेगी। तो बस लहसुनों को हमें थोड़ा सा भूनना है, जब खुशबू आने लगे जैसे कि आ रही है मुझे, तब इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ देखिए मेरे पास प्याज है जो अराउंड 1/2 कप है, और रफली इसको हमने स्लाइस कर दिया है, तो ये डाल देंगे। इनको सॉटे करेंगे साथ। यहाँ हमारी प्याजें लहसुन जीरा सब बड़े मज़े से फ्राई हो रहा है, जब तक हम क्या करते हैं यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं हीरो ऑफ द डिश को, बैंगन। तो ये बैंगन हमारे हैं 1.25 पाउंड यानी 800 ग्राम के आसपास, साफ़ सुथरे धुले धुलाए हैं। तब हम क्या करते हैं इसको ग्रेट करेंगे, बड़े वाले जगह से करेंगे। चले प्याजों को देख लेते हैं, बस लाल नहीं करनी है, सॉफ्ट थोड़ी सी करनी है। तो बस इसी तरह से कर लेंगे। अब ये प्याजों में हम डालना शुरू करेंगे मसाले अपने। तो मसाले जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास है 1/2 टीस्पून भर के नमक, क्योंकि 1/4 टीस्पून हमने डाला था लहसुनों को पीसने में, और बाकी चाट का मसाला भी है, तो ये भर के 1/2 टीस्पून है। अब इसको भूनेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। मसाले को 1 मिनट अच्छे से भूनेंगे। चले 1 मिनट हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो आप छोटे छोटे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं या ग्राइंड करके भी, तो 2 मीडियम टोमेटोस डाल सकते हैं। चले इसको भूनेंगे अब। अब
अब देखें यहाँ टोमेटो के साथ भूनते हुए भी तरी आ गई है ऊपर। तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप मटर। और जब ये बनेगा ना तो सबको लगेगा कीमा मटर बनाया है। हमारे मटर जो है वो पारबॉइल्ड थे, अगर आपके कच्चे हो तब आप थोड़ा सा ज़्यादा पहले डाल सकते हैं, जैसे प्याज़े डाली ना उस वक्त भी आप डाल सकते थे ताकि वो थोड़े से फ्राई हो जाए। तो बस इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। तब हम इसको उठाते हैं और बैंगनों को डालते हैं। चले अब अच्छे से मिला लेंगे। 3-4 मिनट अच्छे से बैंगनों के साथ भूनेंगे इसको। देखिए भुनाई करते हुए 4-5 मिनट हो गई है। अब टाइम हो गया है कि इसको स्लो करके और थोड़ा दम पे लगा दें। तो चूल्हे को कर देते हैं मीडियम लो 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं 3-4 मिनट में। देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, अब चूल्हे को बंद करते हैं। खुशबुएं खतरनाक आ रही है और डिश आउट करते हैं। ये देखिए खुशबुएं आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए खतरनाक सी हमारी बैंगन की सब्जी, जो कि लगेगा कि मटर कीमा खा रहे हैं। और यहाँ थोड़ा धनिए से गार्निश करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी यूनिक किस्म की ज़बरदस्ती चटपटी दावतों स्टाइल की बैंगन की सब्जी बन गई। और अब मैं ट्राई करूँगी गर्मा गर्म रोटी के साथ और आप लोग को तपा तपा के खाऊंगी। ये देखिए क्या गर्मा गर्म है। और टेक्सचर देखा इसका, वो जो हमने ग्रेट किया था वो सेपरेट नज़र आ रहा है, वो एक मज़े का लगता है। कातिल आना खतरनाक। उसका जो टेक्सचर है बैंगनों का, जैसे भरता होता है तो कैसा गूई सा होता है, ये श्रेडेड नजर आ रहा है, फील भी हो रहा है माउथ में। और फ्लेवर जो हमने वो सौंफ डाली थी, गार्लिक का तड़का, ये आप लोगों के लिए खाना बनता है। मैं तपाऊं जरूर लेकिन मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को छोड़ के खा नहीं सकती। माइंड ब्लोइंग। अब आपके पास किसी भी किस्म के बैंगन हो आप यूज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मजे करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।